अपन सो कैसे हैं आप सब। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने फेज टू को स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर आप अपने कॉलेज एंड प्रोग्राम का सिलेक्शन कर पाएंगे और इसके साथ में आप लोगों का करेक्शन विंडो भी ओपन कर दिया गया है जिन्हें स्टूडेंट ने ऑलरेडी फेज वन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया था। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर कंप्लीट एडमिशन का प्रोसेस छुपा हुआ है, साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स जो आज की डेट में आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक भी डेट आपने मिस करी स्किप करी आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। इवन आप उसको डिजर्व करते थे कॉलेज को तब भी आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टिमुलेटेड रैंक लिस्ट, करेक्शन विंडो, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी स्टार्ट करते हैं और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस, जिसके बेसिस पे आप लोगों को आगे एडमिशन मिलने वाला है। एक भी डेट हमें मिस नहीं करनी। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए फेज टू आप लोगों का 17 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों को अपने कॉलेज कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट डेट जो है पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईलाइट कर रखी है, दैट मींस कि फेज वन और फेज टू आप लोगों का सबसे क्विंटली एक साथ में चलने वाला है, जो कि आपको मिलेगा 24 जुलाई तक करने के लिए। फेज वन के अंदर भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और फेज वन के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फेज टू में जा सकते हैं। तो देखिए यह है एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड जिसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फेज वन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा बिल्कुल नया कैंडिडेट की तरह। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको एप्लीकेशन फेज वन फेज टू दोनों के साथ देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है आप लोगों का 24 जुलाई तक होने वाला है। 24 जुलाई तक आप लोगों की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें ढीले मत पड़ना। 24 जुलाई तक आप लोगों का फेज टू होने वाला है, चॉइस फिलिंग होने वाला है। 27 जुलाई को ऑटोमेटिकली सारी प्रेफरेंसेस आप लोगों की जो है लॉक कर दी जाएंगी। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में नीचे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस दौरान आप लोगों की करेक्शन विंडो भी जो है ओपन हो चुकी है। अगर आप करेक्शन विंडो करना में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जब आप अपने स्क्रीन में भी लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपडेट करने के लिए। और जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल को जो है एडिट कर पाएंगे। तो करेक्शन विंडो के अंदर बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने एक ही बार सिर्फ अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। फेज वन के अंदर आप एक ही बार एडिट कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट दोबारा से रीअपलोड कर सकते हैं। आप क्या चीज मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, कैंडिडेट का नेम नहीं कर सकते, फोटोग्राफ नहीं कर सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते, जेंडर नहीं कर सकते, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं होगा और कैटेगरी को भी चेंज नहीं करा जा सकता है। अब देखते हैं करेक्शन विंडो ओपन कब तक है। 20 जुलाई तक आप लोगों की करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 रीड करते हैं। मैं बिल्कुल बहुत ही सॉर्टेड तरीके से लेके जा रहा हूं चीजों को ताकि आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे एडमिशन प्रोसेस। अब पॉइंट नंबर 3 समझते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर। अब देखिए मैं आप लोगों को जब आगे का अपना जो ध्यान से देखना, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा लेके जाने वाला हूँ। इसके बाद जैसे मैं नोटिस एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों को मेरिट कैलकुलेशन का फंडा भी आगे सिखाऊंगा। मेरिट कैलकुलेशन कैसे होता है कि जैसे कि एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का इंग्लिश और मैथमेटिक्स और सिर्फ जीटी लिया जा रहा है, ठीक है, बीएमएस के लिए अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे उसको टोटल स्कोर दिखा दिया जाएगा कि भाई आपका 208 बन रहा है इसके अंदर टोटल। अगर ये स्टूडेंट बोलेगा मेरे को बीकॉम भी करना है तो बीकॉम के अंदर भी आप लोगों को कंप्लीट स्कोर का कैलकुलेशन करके 304 अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखा देगा। तो आप लोगों के जितना स्कोर ज़्यादा मैक्सिमम बनने की प्रोबेबिलिटी बन रही है तो आपको वो भी हाईलाइट कर दिया जाएगा कि देखिए आपके इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, बीएमएस में इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो मेरिट जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक ही बनाई जाएगी, जैसे कि बीएमएस के लिए 3 डोमेन्स की जरूरत है तो तीनों को ऐड करा जाएगा, बीकॉम के लिए 4 चीज़ों की जरूरत है तो चारों को ऐड करा जाएगा। तो ये होता है आप लोगों का प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर कैलकुलेशन। हर जगह एक ही परसेंटेज नहीं चलती है, जो लोग बहुत सारे बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को कि बोल के आप अपना स्कोर बताओ, मैं आप लोगों का कॉलेज प्रेडिक्ट करूंगा, आपको एक प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा, ये सारी चीजें अपकमिंग स्टेप्स के अंदर आपके आंखों के सामने खुलती हुई नजर आएंगी कि कितना बड़ा आपके साथ जो है आप लोगों को कुछ पता ही नहीं था और आपके साथ क्या क्या हो गया है, ठीक है। तो स्कोर आप लोगों का फाइनल आप लोगों को दे दिया जाएगा। और अभी भी मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए कि भाई मत पढ़ना इन चक्करों में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये है आप लोगों का प्रोग्राम स्पेसिफिक कैलकुलेशन और मेरिट कैलकुलेशन का सिस्टम, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपने चॉइसेस भरनी है। अब यहाँ पे एक एडवाइजरी दी गई है अपनी चॉइसेस फिलिंग करने के लिए कि आप लोगों को एडवांस फिल्टर का यूज़ करना है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्टेड अपनी लिस्ट को देख सके, क्योंकि एकदम से दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको दिखा देगा 1000 से ज़्यादा ऑप्शन अप्लाई करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने कोर्सेज को प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि कोई स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो अपना फिल्टर लगाएगा, बीकॉम ऑनर्स के ही सिर्फ उसको कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, बीकॉम प्रोग्राम का लगाएगा तो सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के ही उसको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट विल हैव टू चूज एंड ऑर्डर द प्रेफरेंसेस एज पर हर चॉइसेस।
तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस को रखना है, टॉप टू बॉटम कॉलेजेस को अरेंज करना है। जो कॉलेज आप ऊपर रखेंगे वो कॉलेज आपको ज़्यादा अलॉट होने की प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है और वो आपकी प्रायोरिटी रखेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। रैंडमली कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं करा जाएगा, टॉप टू बॉटम देखा जाएगा, तो जो कॉलेज बेस्ट होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा इस दौरान। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आप लोगों की प्रेफरेंसेस सेव हो जाएंगी उसके बाद आप कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, रीऑर्डर नहीं कर सकते आफ्टर दी डेडलाइन ओवर ऑफ फेज टू, यानी कि जो लास्ट डेट हमें ऊपर दी गई थी उसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो शुरू होती हैं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट का बहुत अच्छा रैंक है, स्कोर है, लेकिन उसने टाइमली सारी चीज़ें नहीं करी तो वो काउंसलिंग से आउट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को काउंसलिंग से आउट नहीं होने दूंगा, सारी चीज़ें समझाते हुए करके ध्यान से समझते हैं। फेज वन एंड फेज टू अब स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई से, जिसके अंदर आप करेक्शन कर पाएंगे अपना 20 जुलाई तक, प्रेफरेंस फिलिंग आप कर पाएंगे 24 जुलाई तक, और उसके बाद ऑटो लॉक होगी आप लोगों की चॉइस फिलिंग 27 जुलाई को, यानी कि चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे जुलाई 24 तक, लेकिन 27 को ऑटो लॉक होगी। तो इसको भी अभी मैं आगे नीचे आपको समझाऊंगा, ठीक है। यानी कि आपका पोर्टल यहीं पे फ्रीज हो जाएगा थोड़े दिन के लिए, उसके बाद ही लॉक हो जाएंगी चॉइसेस। अब वो नेक्स्ट स्टेज में जाने वाली है। देन अगेन आप लोगों की एक सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा 29 को। अब होगा क्या, जैसे कि आपने डाला बीकॉम ऑनर्स, दूसरे स्टूडेंट ने भी डाला बीकॉम ऑनर्स, आपकी टोटल स्कोर बन रहा है 403, इसी स्टूडेंट का बन रहा है 501, और तीसरा स्टूडेंट है उसका बन रहा है 505। तो यहाँ पे क्या करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक लिस्ट बनाएगा टोटल स्टूडेंट्स की, जैसे कि 505, 501, 403, इस तरीके से पूरी एक ऑर्डर लिस्ट बन रही होगी। यहाँ पे बीच में 502 ये सब भी आएंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ तीन स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करके। तो इस तरीके से डेलीसिटी पूरी एक लिस्ट आपको देने वाला है कि भाई देखो आपका इस कोर्स के अंदर इस नंबर पर रैंक बन रहा है। तो जैसे कि आपने अप्लाई करा है बीकॉम ऑनर्स में, तो बीकॉम ऑनर्स में आपका रैंक बन रहा है 14,000, अगर आपने अप्लाई करा है बीएमएस के लिए तो उसमें बन रहा है 7,000। कोई स्टूडेंट है जिसने अप्लाई करा है सेम ही तीन चार कोर्सेज में अप्लाई करा है, बीएमए करा है, तो उसमें आ रहा है उसका 8,000। तो इससे क्या होता है, आपको एक विजन मिल जाता है कि हाँ भाई देखो मेरा 14,000 तो बी कॉमर्स बन रहा है, मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, भाई मेरा कम रैंक आ रहा है। बीएमएस में मेरे अच्छे चांसेस बन रहे हैं क्योंकि उसका रैंक अच्छा है, बीए प्रोग्राम के अंदर भी मेरा अच्छा स्कोर है, तो मैं क्या करूँगा बीएमएस वाले कॉलेजेस को ऊपर कर दूंगा और बी ए वाले कॉलेज को ऊपर कर दूंगा, नीचे मैं बी कॉम ऑनर्स वाले कॉलेजेस को कर दूंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ये चीज़ होने वाली है और ये चीज़ किसी को भी नहीं पता होती। और यहाँ पे आप मेरे को बता दो कि कहाँ पे आप लोगों का स्कोर यूज़ हो रहा है, कहाँ पे आप लोगों की परसेंटाइल यूज़ हो रही है, जिसके बेसिस पे कोई कॉलेज का प्रेडिक्शन आप लोगों को करके दे देगा, कोई भी नहीं कर सकता यार। स्टिमुलेटेड रैंक लिस्ट तो डेलीसिटी बनाने वाली है, उस रैंक लिस्ट के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, वो किसी को पता नहीं है, तो कैसे आप लोग अपनी जो है प्रेफरेंसेस बना रहे हैं। तो प्रेफरेंसेस आपको बनानी है आफ्टर द रिलीज ऑफ सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट, जिसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करेंगे। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रेफरेंसेस चेंज करने के लिए भी आपको टाइम पीरियड मिल रहा है ना, कि आप अपनी देख लो भाई इतना रैंक बन रहा है इस कोर्स में, अब आप प्रेफरेंस चेंज करना चाहो तो कर लो, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन को दिया जाता है यहाँ पे। तो 30 जुलाई तक आप लोग 29 से लेकर 30 जुलाई के बीच में अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर पाएंगे। देन फर्स्ट राउंड जो है आप लोगों का डिक्लेयर होगा 1 अगस्त को, उसके बाद स्टूडेंट उस सीट को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद स्टूडेंट अपनी पेमेंट करता है तो वो उस सीट का हकदार है और अपनी विलिंगनेस देने के लिए भी हकदार है कि हाँ भाई मैं ले चुका हूँ सीट, मैं नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड के लिए जाना चाहता हूँ। तो वो मौका भी तभी मिलेगा जब डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएंगे और आप फीस पे कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, ये 6 अगस्त तक आप लोगों का प्रोसेस चलने वाला है। अब जब ये वाला राउंड ओवर हो जाएगा, जितने स्टूडेंट अपने सीट एलोकेट करवा लेंगे, पेमेंट कर देंगे, उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं वो वैकेंट सीट में दिखाई देंगी। और इस बात का ध्यान रखना भाई, पहले राउंड में ही खेल हो जाता है, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड वाला काम चलता है, यानी कि कोई नई सीटें थोड़ी बनेंगी। अब सारी सीटें ऑक्यूपाई हो चुकी हैं तो नई सीटें थोड़ी बनने वाली है, नीचे वाला इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे वाला इसके ऊपर जाएगा, बस इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। मैक्सिमम यहाँ तक नंबर आएगा बच्चों का, तो जो फर्स्ट राउंड होता है उसी में सारा खेम खत्म हो जाता है। तो ट्राई टू फिल एज मैनी एज ऑप्शंस यू कैन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस। अब ये किस लिए दिया जाता है इसको भी समझिए। सेकेंड राउंड के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो वो स्टार्ट होगा आप लोगों का 7 तारीख से, और 7 से 8 के बीच में आप रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। रीऑर्डरिंग क्या होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
आपको कॉलेज मिला पाँचवें नंबर का, अब नीचे की जो चॉइसेस है वो हट जाएंगी, ऊपर की आप लोगों के सामने रह जाएंगी, आप इनको रीऑर्डर कर सकते हो, दो को तीन पे लेके जा सकते हो, एक को चार पे लेके आ सकते हो, बस ये रीऑर्डरिंग कर सकते हो, एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप लोगों ने अपनी रीऑर्डरिंग कर ली, 10 अगस्त को आप लोगों का सेकेंड राउंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगेन जिन स्टूडेंट्स को पहली बार सीट मिली है वो एक्सेप्ट करेंगे, जिसको मिल चुकी थी उसको दोबारा से सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करनी होती है, जिसको मिल चुकी है उसको बस अपग्रेड करना है और फ्रीज करना है, जिसको नहीं मिली है वो अगेन सारा प्रोसेस उसके लिए भी सेम रहेगा, एक्सेप्ट करेगा, कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, देन उसके बाद वो अपनी फीस पे करके अपना एडमिशन कंप्लीट कराएगा। अब देखिए ये प्रोसेस सेकेंड राउंड तक का हो रहा है, कब तक, 15 अगस्त के बीच में, लेकिन भाई कॉलेजेस तो स्टार्ट करना है ना 16 अगस्त से, तो इस चीज़ को कैसे करा जाए, तो क्या होगा, जो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ही सारे कॉलेजेस की सीट भर जाती है बुरी तरीके से, तो उनके पास सफिशियंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद बस क्या करेगा, पासिंग वाला गेम चलता रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला वो हम करते रहेंगे बाद में, आप लोग क्या करो अपना कॉलेज को ज्वाइन करो, देन थर्ड राउंड के लिए सीट वैकेंट कर देंगे, बचती है तो मिड एंट्री यहाँ पे आपको करने को मिलेगी, जो स्टूडेंट अपनी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड को छोड़ चुका है वो 1000 रुपये देकर अपनी एंट्री करवा लेगा, 17 अगस्त से स्टार्ट होगी, उसके बाद हायर प्रेफरेंसेस को अगेन रीऑर्डर करने का ऑप्शन मिलेगा, 19 अगस्त तक का टाइम पीरियड मिलेगा, थर्ड राउंड डिक्लेयर हो जाएगा 22 अगस्त को, अपना वही जिस स्टूडेंट को पहली बार सीट मिली एक्सेप्ट करेगा 24 अगस्त तक के लिए, कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव 25 अगस्त, और आप लोगों का जो है कॉलेज अलॉटमेंट के बाद फीस जो पेमेंट है 26 अगस्त तक आप लोग इसकी कर देंगे, यह है थर्ड राउंड का रिजल्ट। अब इसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड कंडक्ट कराए अगर ऑप्शन बचेगा तो, अगर चांसेस हुए तो, अगर नहीं होंगे तो नहीं करवाई चाहिए। अकेडमिक सेशन फॉर अनग्रेजुएट जो है 16 अगस्त से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एक्स्ट्रा एलोकेशन इन फर्स्ट राउंड यानी कि 10% सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा अलॉट करके चलेगी स्टूडेंट को, ताकि हमारी सीट जो है खाली ना रह जाए, तो जितनी भी कैटेगरीज है सबके अंदर 20% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट होने वाली है, और कई कई क्या करते हैं स्टूडेंट विड्रॉल कर लेते हैं ना अपनी सीट्स को, तो वो जैसे ही इंस्टेंटली विड्रॉल करेंगे उन स्टूडेंट को जो एक्स्ट्रा लोकेशन हुई थी उनको सीट्स अलॉट कर दी जाएंगी। पब्लिक अवेयरनेस के लिए वेबिनार्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेगी। इसके बाद आगे का जो स्पॉट राउंड वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को अपकमिंग टाइम पीरियड में दे दी जाएंगी, बट मोर ओवर मेरे हिसाब से थर्ड राउंड तक ही सारा गेम जो है खत्म हो जाने वाला है, तो स्पॉट राउंड के चक्कर में भाई पढ़ना मत। अगर आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है डेंसिटी के अंदर तो आप लोग मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन है, आपको टेंशन की जरूरत है, अगर नहीं मिलता तो भाई बैकअप ऑप्शन देखना शुरू कर देना। चलिए अब घुसते हैं डेंसिटी के एडमिशन पोर्टल के अंदर और समझते हैं किस तरीके का पोर्टल आप लोगों को देखने को मिलता है, किस तरीके से आप लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। ये आ जाते हैं अपने CACS के पोर्टल के अंदर और देखते हैं किस तरीके का यूजर इंटरफेस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फेज 1 है, दूसरी तरफ है एप्लीकेशन फेज 2। अगर आप यहाँ पे करेक्शन करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अपडेट करने के लिए डिटेल्स करेक्शन विंडो को, जो कि 20 ऑफ जुलाई तक एलिजिबल है स्टूडेंट करने के लिए। तो यहां पे आप क्लिक करेंगे यस, तो आप यहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं दोबारा से स्टार्ट। दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो है एप्लीकेशन फेज 2 का, जिस पर हमने क्लिक करा। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि हमें कोर्स मैपिंग के लिए देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने जब इससे पहले वीडियो बनाया था थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। अब देखिए इसमें होता क्या है कि आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स की मैपिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा ये चीज़ बोल के चलता है कि आप लोगों को उसी कोर्स के लिए एडमिशन देंगे हम, जिसमें आपने अपनी क्लास 12th के सब्जेक्ट्स की स्टडी करी है। अगर आप उसके अलावा कोई भी डोमेन दे के आए हैं तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं जिस के साथ क्या केस बनता है। देखते हैं पहले इंग्लिश था, बिल्कुल इंग्लिश कोर था, तो मैंने इंग्लिश कोर को सिलेक्ट कर दिया है। बिजनेस स्टडीज इनके पास था, तो मैं बिजनेस स्टडीज को सिलेक्ट कर दूंगा। अगेन कंप्यूटर साइंस यहां पे दिया हुआ है, तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, क्योंकि यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि भाई मेरे क्लास 12th के सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो यहां पे नॉट एप्लीकेबल ही आएगा। अगर मैं यहां पे कंप्यूटर साइंस मेंशन कर दूंगा एडमिशन मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मार्कशीट में चेक करेंगे कि भाई वहां पे था यहां पे नहीं था, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ IP यूनिवर्सिटी ये कॉम्बिनेशन काम करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कॉम्बिनेशंस काम नहीं करते। यहां पे बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आप लोग भी उस कोर्स को उस सब्जेक्ट को नॉट एप्लीकेबल कर देना जिसमें आपने अपनी स्टडी नहीं करी है क्लास 12th के अंदर। कंप्यूटर साइंस नॉट एप्लीकेबल होगी, इकोनॉमिक्स में यहां पे नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, मैथमेटिक्स यहां पे मेरे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स था तो मैं इसको यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा। आई डिक्लेयर पे क्लिक करके प्रोसीड करते हैं यहां से सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगा यहां पे भी। अब देखिए यहां पे मैंने जैसे क्लिक करा
और यहाँ पे मेरे को क्या लिखा रहा है, मैपिंग ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट फॉर टेस्ट पेपर इज रिक्वायर्ड। अगर ऐसा हुआ कि आपने ऐसे सब्जेक्ट मेंशन कर दिए जो आपके पास क्लास 12 में नहीं थे, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए डेली स्टडी बोल रहा है अपने वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे। तो इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, नहीं था यहाँ पे स्टूडेंट तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, नॉट अप्लीकेबल कर दी। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स में मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स का नाम डाल दिया है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मेरी जो है अपडेट मैपिंग पूछ रहा है, भाई करना चाहते हो तो कर लो, वरना आगे देखते हैं प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये मेरे जो है क्लास 12th की डिटेल्स, मेरी जो CUT का जो स्कोर है उसके बेसिस पर आ रहा है। एंड सृष्टि चड्ढा, जिन्होंने मेरे को अपना ID पासवर्ड दिया था, थैंक्स टू यू कि मैं आपकी वजह से मैं दिखा पा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है नीचे कि आप किस किस कोर्स के अंदर एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। तो ये है नीचे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, जिसके अंदर आप लोगों का टोटल स्कोर भी बताया जा रहा है और एलिजिबिलिटी भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इस कोर्स के लिए भी अप्लाई है, तो यहाँ पे इसका टोटल स्कोर 386 बन रहा है। अगेन आगे बढ़ते हैं, 386 यहाँ पे बन रहा है। तो जिस स्कोर में सबसे ज़्यादा स्कोर उस स्टूडेंट का बन रहा है, उसको सबसे ऊपर करते जा रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी के बेसिस पे। अब देखिए BA हिंदी ऑनर्स, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट सेटिस्फाइड। तो जहाँ पे भी आप एलिजिबल हो यार, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को जो काटा है ना इस चीज़ को बोल के कि भाई कॉलेज के अंदर आप लोगों को जाने के लिए जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि आप किस किस कोर्स में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद से ही बताती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा था। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरा चीज़ें आप लोगों को शो कर दी है कि आप लोग देखिए इसमें भी एलिजिबल हो, BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन फॉलो, और इसमें आपका टोटल स्कोर ज़्यादा बन रहा है। तो इस टोटल स्कोर से बेस्ट कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन के बाद आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है और भी ज़्यादा इजी हो सकता है और आप लोगों को ही हेल्प मिलेगी। अब जैसे कि स्टूडेंट है, देखिए इसको BMS के अंदर इसका जो बन रहा है स्कोर कितना बन रहा है, 257 बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 257 के बेसिस पे तो इसका कम चांस बन रहा है एडमिशन लेने के लिए BMS कोर्स के लिए। जर्नलिज्म में 227 बन रहा है और ज़्यादा किस में बन रहा है, 403, यानी कि BA प्रोग्राम ऑल कॉम्बिनेशन के अंदर इसके चांसेस ज़्यादा है, BCom प्रोग्राम के अंदर भी चांसेस ज़्यादा है, 403 स्कोर बन रहा है। तो मैक्सिमम चीज़ें इस तरीके से आप लोग अपने जो है मैपिंग यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा से सब्जेक्ट मैपिंग में जाता हूँ और देख लेता हूँ सारी चीज़ें जो जो हमने दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने दी थी और अगेन ठीक है, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये हमने सब कुछ यहाँ से अपना डोमेन्स को कर लिया था, फाइन। अब हम जाते हैं अपनी प्रेफरेंस फिलिंग की तरफ। प्रोसीड टू प्रेफरेंस फिलिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप अपना फिल्टर लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में करके दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। प्रेफरेंसेस को सेव करना होता है, बाद में आपको प्रीव्यू प्रेफरेंसेस करना होता है। उस पोजीशन में मैं अभी नहीं जाऊँगा ताकि आप लोगों को ये दिखा सकूँ कि सिर्फ आपको कैसे करना है। अवेलेबल प्रेफरेंसेस 1278 इनके पास अवेलेबल हैं। हर एक स्टूडेंट के पास इतनी प्रेफरेंसेस जाएंगी, भर भर के जाएंगी। लेकिन आप लोगों को करना क्या है इस बारे में थोड़ा सा सोचिए। आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है ना भाई, उसी को प्रायोरिटाइज रख के ऊपर की तरफ रखना, वरना आपको ही नुकसान होगा इस एडमिशन प्रोसेस के अंदर। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उन कोर्सेज को ऊपर करिए जिनके अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा बन रही है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि भाई BCom के अंदर 403 इनका स्कोर बन रहा है, तो ये उस तरीके से वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का किस तरीके का पोर्टल है जिसमें हम देख सकते हैं इतने सारे कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब हम ढूंढते हैं यहाँ पे फिल्टर कहाँ पे, भाई फिल्टर हम लगाएंगे तभी तो थोड़ा हम कर सकते हैं ना यहाँ से। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम फिल्टर लगाते हैं। मैं BCom ऑनर्स पे क्लिक कर देता हूँ, मैं BCom प्रोग्राम पे क्लिक कर देता हूँ जिसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही थी। अगेन मैं BA इंग्लिश ऑनर्स पे क्लिक कर देता हूँ, BMS पे क्लिक कर देता हूँ, फाइन। यहाँ से मैंने कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ वही कॉलेजेस दिखाए जाएंगे जो मेरे पास अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करने के बाद दिखेंगे। अप्लाई फिल्टर कर दिया मैंने, 156 प्रोग्राम्स के अंदर मैं एलिजिबल हूँ। तो भाई यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस शीट आपने बनानी है, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको बनानी है। किसी की भी बातों में मत आना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, पिछले साल स्टूडेंट बहुत पछताए थे जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें करके आप लोगों को गलत प्रेफरेंसेस पकड़ाई है। क्योंकि हम करते यही हैं कि सर कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। यार दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको अच्छी तरीके से आपका मिरर दिखा रही है कि बेटा देख तेरे इस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, तो आप उसको क्यों नहीं सुन रहे हो और आप सुन रहे हो दूसरे लोगों को। मैं एक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनका भी जो विज़न है क्लियर हो, नीट एंड क्लीन रहे। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कैसे हमें उनको अप्लाई करना है।
अभी मैं काम करता हूँ इसको और थोड़ा सा सॉर्टेड करने के लिए बीए ऑनर्स इंग्लिश हटा देता हूँ, क्यों इतनी भसड़ करनी। हम क्या करेंगे, सीधा क्लिक करेंगे बीकॉम ऑनर्स पे, पहले बीकॉम ऑनर्स के कॉलेजेस भर लेंगे अपने, है ना, जो मेरी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर कॉलेजेस होंगे। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ऊपर लगा दो, साउथ कैंपस के कॉलेजेस ऊपर लगा दो, उसके बाद अपनी प्रेफरेंसेस सेट करना शुरू कर दो। और इतनी बड़ी कोई लिस्ट थोड़ी है यार जो आप लोगों को इतना टाइम लगेगा। जिस स्टूडेंट को बीकॉम ऑनर्स करना है ना, उसके लिए तो बहुत छोटी सी लिस्ट है, वो तो पहले से रीड करके बैठा हुआ हर एक चीज़ को। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को करनी है, मॉर्निंग शिफ्ट को ऊपर रखना, सेकंड शिफ्ट को नीचे रखना, ठीक है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉप ये है, ऐड टू टॉप पे आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपने इसको क्या करा, ऐड टू प्रेफरेंस क्लिक कर दिया। प्रेफरेंस नंबर आप यहाँ से दो नंबर पे क्लिक कर डालेंगे और दो नंबर पे आपकी प्रेफरेंस आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस डालनी है। शहीद भगत सिंह कॉलेज किसी को डालना है तो प्रेफरेंस नंबर 3 पे डालना चाहता हूँ मैं, इस तरीके से मैंने डाल दिया। तो ये आप लोगों की लिस्ट बनती चली जाएगी और ये बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है, ज़्यादा इसको हैक्टिक मत करना यार। कोई आपको प्रेफरेंस शीट दे रहा है, ओ भाई वाह आप 1200 कोर्सेज में एलिजिबल हो, ये स्टूडेंट नहीं है क्या यार 1200 कॉलेज के अंदर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, आप बताओ। लेकिन करना क्या है, हमें उस चीज़ के लिए एनरोल करना है जिसमें हम सच में इंटरेस्ट अपना रखते हैं और हम उसको आगे परस्यू करना चाहते हैं। दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू फ्रॉम द डे वन, कि भाई आप लोग अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, दूसरों को मत सुनो। ड्यू में बस पढ़ना ही चाहते हो, कैसे भी करके घुसना चाहते हो, तो 1200 यहाँ पे फिल्टर लगाने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से ऐड करते चले जाना, आपकी प्रेफरेंस शीट बन जाएगी। तो ये है आप लोगों की प्रेफरेंस शीट फिलिंग का प्रोसेस, जो मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।